राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित आज के इस विशेष समारोह में प्रदेश सरकार में महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, यूनिसेफ, पीएमसीएफ, टीएसयू, पीरामल तथा टाटा ट्रस्ट के सभी प्रतिनिधिगण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ के अवसर पर मैं सर्वप्रथम पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। यह कार्यक्रम एक नए भारत के निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को साकार करने वाला कार्यक्रम है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के उनके संकल्पों के साथ हम सबको जोड़ता है। आपने देखा होगा विगत 5 वर्ष के दौरान देश के अंदर क्रमिक रूप से जितने भी कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, विभाग अलग हो सकते हैं, उनके मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक थी, लक्ष्य सबका एक था और लक्ष्य था एक भारत श्रेष्ठ भारत का। हमारा देश सशक्त और श्रेष्ठ कब बनेगा? जब भारत का हर नागरिक, हर नर, हर नारी, हर बच्चा, हर जवान स्वयं में स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ रहने की पहली प्रारंभिक इकाई शुरू होती है स्वच्छता से। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता, उसका एक जन आंदोलन बनना, उस कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर पोषण मिशन का शुभारंभ किया था। कुपोषण के खिलाफ जंग, गर्भवती महिला हो या फिर प्रारंभिक 2 वर्ष में नवजात शिशु की उचित देखभाल करने के लिए किए जाने वाले प्रयास, ये सब एक दूसरे से जुड़ते हैं। जिस देश का बचपन ही कमजोर हो, जिस देश का बचपन ही कुपोषण का शिकार हो, उस देश के जवानी और उस देश के आगे के भविष्य के बारे में स्वाभाविक रूप से बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। और इसलिए ये लड़ाई केवल एक विभाग की नहीं, एक समन्वित प्रयास, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का और उस कार्यक्रम को आज हम लोग
इस राष्ट्रीय पोषण माह के कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। योजनाएं सरकार की पहले से हैं, उन योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन होना और जो वास्तव में इसके पात्र हैं उन पात्रों तक शासन की योजनाओं को पहुंचा देना, ये सरकारी मशीनरी तो इसमें लगेगी ही, आम जन की सहभागिता भी अगर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ती है तो कार्यक्रम की सफलता की रफ्तार उतनी ही अधिक गुना बढ़ती हुई दिखाई देती है। और मुझे इस बारे में कहने में कोई संकोच नहीं कि अंतर विभागीय समन्वय कैसे प्रभावशाली हो सकता है। कल मैं सिद्धार्थनगर जनपद में एक मीडिया ग्रुप के द्वारा आयोजित इंसेफ्लाइटिस मुक्त उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गया था और जो आंकड़े हैं वास्तव में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आज से दो वर्ष पहले जब हमारी सरकार को प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था उस समय मुझे याद है कि इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर के खिलाफ आम जन में शासन प्रशासन की कार्य पद्धति पर गंभीर आक्रोश था। जुलाई और अगस्त के महीने में प्रिंट मीडिया हो, विजुअल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सब रंगे होते थे। भारी पैमाने पर देश का बचपन और समय काल कलवित होते हुए देखता था और पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल से सटे हुए हमारे जितने भी जनपद हैं लगभग 38 जनपद व्यापक रूप से इस बीमारी की चपेट में आते थे। लेकिन विगत दो वर्ष के दौरान स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, महिला और बाल विकास, इन सभी विभागों ने मिलकर के जिस एक नए अभियान को आगे बढ़ाया आज उसका परिणाम किस रूप में, मैं कल जनपद सिद्धार्थनगर के आंकड़े देख रहा था और चूंकि इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर के खिलाफ इस लड़ाई में पिछले 25 वर्षों से जुड़ा होने के कारण मैं इस बात को महसूस करता था कि इस लड़ाई को पहले मैं मानता था कि वास्तव में केवल उपचार से जुड़ी हुई समस्या है। सरकारों को प्रारंभिक समय में मैंने भी बहुत कोसा था, सड़कों पर आंदोलन किए थे, संसद में मैं पहला सांसद था जिसने इंसेफ्लाइटिस की समस्या को रख करके पूरे संसद को इसके लिए झकझोरा था। लेकिन मैं धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपचार से महत्वपूर्ण बचाव हो सकता है और बचाव के लिए जन जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है और उस दिशा में जब हमने प्रयास प्रारंभ किए तो गोरखपुर में हम लोगों ने काफी हद तक सफलता पाई थी। प्रशासन शासन में सबने मिलकर के एक बहुत अच्छी वहां योजना बनाई, कार्य प्रारंभ भी हुए। लेकिन व्यापक जागरूकता का भाग कैसे हम बन सकते हैं। जब 2017 में मैं मुख्यमंत्री बना तो मुझे उन सभी विभागों के साथ एक साथ बैठने और अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस समस्या के समाधान की दिशा में कदम उठाने के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ और सचमुच आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2017 में महाराजगंज जिले में इंसेफ्लाइटिस से 66 मौतें होती हैं और 2019 में मात्र 6 मौत होती है। 66 से 6 पर आना
ये हमारी एक उपलब्धि है और ये व्यापक जन आंदोलन इसका परिणाम है। व्यापक जन जागरूकता और बचाव के लिए सभी विभागों के द्वारा किए गए समन्वित प्रयास उसके परिणाम है। इसी प्रकार से कल मैं सिद्धार्थनगर जनपद में था, 2017 में 40 मौतें इंसेफ्लाइटिस से होती हैं और 2019 में मात्र 3 मौतें होती हैं। आप अनुमान करिए 2017 की तुलना में 2000